Today I'll discuss about equilibrium of a particle. So first of all, what is equilibrium of a particle? So this one, equilibrium of a particle is a situation when the net external force on the particle, or you can say body, is zero. मतलब एक हम बॉडी कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, सरफेस पे मान लो इस तरीके से रखा हुआ है, और यदि इस पर फोर्स लगे, सम फोर्स एजेक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट, मान लो कुछ फोर्स इस पर लग रहा है, इधर F फोर्स लग रहा है, और ये बॉडी यदि मूव नहीं किया तो इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में बोलेंगे। ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पे नेट फोर्स जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा, बिकॉज ये जो फोर्स इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब इधर से ही धक्का देंगे हम, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको जो अपोज कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट अपोज कर रहा है, तो जितना अमाउंट में ये फोर्स लग रहा है इसको उधर राइट साइड के लिए, उतना ही अमाउंट में फोर्स हमको लेफ्ट साइड मिल जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा जीरो। मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि यूनिफॉर्मली रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और यदि मोशन में है तो यूनिफॉर्मली मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में। तो वैसे कंडीशन में हमको नेट फोर्स जीरो मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलें कि यदि इधर F1 लग रहा है तो इस साइड F2 लग रहा है, और F1 एंड F2 दोनों क्या है यहाँ पे, इक्वल है, बट एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F2, दिस वन, बिकॉज यदि F1 पॉजिटिव है तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे साइन क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। सो F1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F2, मतलब यहाँ पे हमको नेट फोर्स जीरो मिल रहा है। वो किस तरीके से, देखो यदि मैं इसको इधर ले आऊँ F1, तो इधर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस F2 इज इक्वल्स टू वट, जीरो। तो ये नेट फोर्स आपको क्या मिल गया, जीरो मिल गया, तो दिस वन नेट फोर्स इज जीरो। वही चीज़ यदि मैं बोलूँ कि ये तो टू फोर्सेस के लिए हो गया, यदि वही थ्री फोर्सेस एक्ट होता कोई ऑब्जेक्ट पे, तब तो एक चीज़ माइंड में इस तरीके से सेट रखना है कि ये देखो एक कौन सा एक्सिस के लिए है, एक्स एक्सिस के लिए है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के लिए जो फोर्स है, टोटल नेट फोर्स है, वो क्या है, जीरो है। तो नेट फोर्स फॉर एक्स एक्सिस इज जीरो, बट वही चीज़ मैं बोलूँ कि वाई एक्सिस में लग रहा है कुछ इस तरीके से, तो इसको अपोज करने के लिए उधर इसके जस्ट अपोजिट लगेगा फोर्स। तो यहाँ पे इस साइड एक फोर्स लग रहा है, एक इस साइड फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यदि मैं बोलूँ कि इधर लग रहा है F3 और इधर लग रहा है F4, ऐसे, तो y के लिए हो जाएगा हमारा F3 प्लस F4 इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, मतलब FY एक्सिस के लिए भी फोर्स, नेट फोर्स क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे जीरो मिलेगा। उसी तरीके से z के लिए भी लिख सकते हो, तो FZ भी हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यदि z एक्सिस में हम इसको z एक्सिस में यदि फोर्स अप्लाई करें। लेकिन कंडीशन ये है कि उस ऑब्जेक्ट को सरफेस पे ना रख करके हमको किसी एक पार्टिकल को हमको कंसिडर करना पड़ेगा स्पेस में, तब जा करके हमको z एक्सिस मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे z एक्सिस हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लेन है। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे यदि कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो दो ही एक्सिस को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, बट यदि एक पार्टिकल को कंसिडर करें या तो इसी ऑब्जेक्ट को हम यदि स्पेस में कंसिडर करें तो वहाँ पे जेड एक्सिस आएगा। तो आपको यहाँ पे तीनों जीरो मिल रहा है, मतलब यहाँ पे नेट फोर्स तीनों एक्सिस के लिए यदि मैं बोलूँ तो FX प्लस FY प्लस FZ तीनों हमको क्या मिल रहा है, जीरो। मतलब नेट फोर्स फॉर ऑल थ्री कंपोनेंट्स विल बी जीरो, मतलब नेट फोर्स तीनों कंपोनेंट के लिए क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में इस तरीके से लग रहा है। मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, और इस पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है इस पर, तो 100% इसमें यदि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पे, तो इसका तीन कंपोनेंट बनेगा, फर्स्ट वन दिस वन साइड, नेक्स्ट वन दिस वन साइड, और एक कंपोनेंट हमारा बनेगा जेड डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस के लिए फोर्स, ये हो जाएगा वाई के लिए, और ये हो जाएगा जेड के लिए। तो देखो इसको किस तरीके से अपोज करता है, यदि ये FX में लग रहा है तो अपोजिट हमको क्या मिलेगा, -FX, जो उसको अपोज करेगा, नेट फोर्स जीरो कर देगा एक्स के लिए। वाई के लिए बात करूँ तो इसको इधर अपोज करेगा, और जेड के लिए इस साइड अपोज करेगा। तो कुल मिला करके यदि यहाँ पे देखें तो हमको नेट फोर्स क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से ही, इस तरीके से ही आपको क्या मिलेगा, नेट फोर्स जीरो मिलेगा। तो आप यदि यहाँ पे 1, 2, 3 करके भी लिखोगे तो आप कुछ इस तरीके से लिख कि F1 फॉर एक्स एक्सिस, F2 फॉर वाई एक्सिस, एंड F3 इज फॉर जेड एक्सिस। तो यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ये हमारा बैलेंस कंडीशन बताता है, ठीक है। एन फोर्स, तीन से ज़्यादा भी फोर्स यदि लग जाता है वहाँ पे, तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, तो ये सिर्फ एक्स और वाई और जेड के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन कभी कभी ये भी रहता है कि मान लो कोई एक फोर्स है जो तीनों डायरेक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि देखो यदि मैं इस तरीके से बोलूं कि एक फोर्स है जो स्पेस में कुछ इस तरीके से लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो F1 लग रहा है,
कुछ इस तरीके से F1 लग रहा है। तो यदि यहाँ पे F1 लग रहा है, एक फोर्स लगा ना, अब इसी पार्टिकल पे कोई एक और फोर्स लग जाता तब, कोई दूसरा फोर्स इधर थोड़ा सा एंगल चेंज करके F2, और एक और फोर्स लग जाता F3, कुछ इस तरीके से। ये पूरा एक्स एक्सिस नहीं मानना, इसको थोड़ा सा उधर कर सकते हो F3। टोटल थ्री फोर्सेस पे एक्ट हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको तीनों का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि F1 फॉर एक्स एक्सिस प्लस F2 फॉर एक्स एक्सिस एंड प्लस F3 फॉर एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू जीरो। ये इस तरीके से लिखाएगा फॉर एक्स एक्सिस, वन के लिए सिर्फ, वन टू तीनों के लिए लिखे हम लोग एक्स एक्सिस के लिए। फिर उसी तरीके से वाई के लिए यदि लिखोगे तो लिखाएगा 1y प्लस F2y प्लस F3y इज इक्वल टू जीरो। और जेड एक्सिस के लिए भी लिखोगे तो लिखाएगा 1z प्लस F2z प्लस F3z इज इक्वल टू जीरो। मतलब तीनों कंपोनेंट को यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। ये कुछ इस तरीके से इसका एक्स, इधर एक्स कंपोनेंट जाएगा, इधर एक्स, इधर वाई और इधर जेड। तो ये तीनों के लिए अपना अपना अलग अलग कंपोनेंट बनेगा। तो देखो एक्चुअली कंपोनेंट यदि मैं तीनों का बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा ना। मान लो हम F1 का बनाए तो इस जगह पे F1 मिला, और F2 का भी कंपोनेंट इसमें यहाँ पे मिलेगा, और F3 का भी यहाँ पे मिलेगा। तो एक चीज़ और भी माइंड में सेट रखना कि यदि डायरेक्शन वेक्टर के अकॉर्डिंग देखो तो फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, एक्स एक्सिस के लिए तीनों इस तरह से दिख रहा है। तो यदि तुमको डायरेक्शन सेम मिलता है तो तीनों ऐड हो जाता है। ये चीज़ माइंड में रखना आपको। तो तीनों डायरेक्शन सेम मिल रहा है ना, तो वेक्टर में जब तुमको डायरेक्शन सेम मिले तो डायरेक्ट वेक्टर को क्या कर दो, ऐड कर दो, डायरेक्ट ऐड। और वहाँ पे रिजल्टेंट हमको फाइनली जीरो मिलेगा, क्योंकि F1 का पोजीशन इस साइड लगेगा, F2 का भी इधर लगेगा और F3 का भी इधर लगेगा। मतलब जितना इधर फोर्स उतना अपोजिट पोजिशन डायरेक्शन में फोर्स, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे रीड कर रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, बैलेंस कंडीशन के लिए पढ़ रहे हैं। बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग रीड कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होता है। तो ये कंडीशन था हमारा, ठीक है। अब कुछ हम और भी इसी से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझाएंगे। वो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है उसको समझो। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स आपको समझना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन जिसको बोलते हैं, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़े थे हम लोग, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो उसी तरीके से आपको कुछ यहाँ पे समझना पड़ेगा, वो है नॉर्मल रिएक्शन, उसको समझो। नॉर्मल रिएक्शन इसको समझना है हमको। तो ये क्या है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है सरफेस पे रखा हुआ है, कुछ इस तरीके से ये सरफेस होगा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो 100% यदि ये सरफेस पे रखा हुआ है तो फिर भी, या तो टेबल पे रखा हुआ है, तो इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट होगा इधर। वो फोर्स कौन सा हो जाएगा हमारा, mg लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो लग रहा है नीचे तक तरफ वो वेट, वेट उसका होगा ना, वेट इज इक्वल्स टू mg। और mg वेट भी क्या, एक तरीके का फोर्स है हमारा। तो ये हमको mg नीचे मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, ग्रेविटी इस पर एक्ट, मतलब इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यदि इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो एक्शन तो तब भी हो रहा है ना यहाँ पे। यदि एक्शन हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ रिएक्शन भी होगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जो है एक्शन किधर कर रहा है, डाउनवर्ड की तरफ, तो इसका रिएक्शन किधर होगा, रिएक्शन इस ऑब्जेक्ट पे होगा। तो रिएक्शन जो है इसको अपोजिट डायरेक्शन में होगा हमारा। तो ये होगा रिएक्शन, इसको तुम चाहो तो आर से लिखो, या इसी रिएक्शन को नॉर्मल फोर्स भी बोला जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। देखो इस सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसलिए इसको बोला जाता है नॉर्मल फोर्स, या तो नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि रिएक्शन भी तो एक तरह का फोर्स है ना। तो हमारा रिएक्शन फोर्स हो जाएगा, या तुम इसको बोल सकते हो नॉर्मल फोर्स। तो ऐसे कंडीशन में एक चीज़ ये समझो कि मान लो हम इस कौन सा वाई एक्सिस को देख रहे हैं ना, तो वाई एक्सिस को देख रहे हैं तो एक इधर फोर्स दिख रहा है हमको और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दिख रहा है। ये हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, और ये हमारा है mg, आई मीन वेट, ये बीचों बीच यहाँ का पॉइंट था ये वाला। तो फ्री बॉडी डायग्राम इसको बोलते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, FBD जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, FBD फ्री बॉडी डायग्राम। इस बॉडी का फ्री बॉडी, फ्री डायग्राम बनाए हम समझने के लिए। तो अब एक चीज़ देखो, ऑब्जेक्ट तो किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। यदि ये बैलेंस कंडीशन में है तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रेस्ट में है, रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यदि इसका हम नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा, एफ नेट, मतलब टोटल फोर्स होता है, एफ नेट मतलब टोटल फोर्स।
तो टोटल फोर्स जो यहाँ पे निकलने वाला है, यहाँ पे दो फोर्स है ना, दोनों को हमको क्या करना है, ऐड करना है, सम ऑफ फोर्सेस इज द नेट फोर्स। तो टोटल फोर्स यहाँ पे यदि मैं निकालूँ, तो यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये जो एन है, एन वो यदि हमारा पॉजिटिव है, एन यदि पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ऐसा। तो ऐसा करो, हम एम जी को पॉजिटिव लेते हैं, द डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ये ग्रेविटी के टूवर्ड्स है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, किसी को भी आप पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हो, मतलब यदि इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, यदि इसको नेगेटिव लेते हो तो मतलब जस्ट अपोजिट एक किसी को लेना है। तो यदि मैं दोनों को ऐड करूं, तो देखो मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूं एम जी को, तो यहां पे लिखेंगे एम जी, ठीक है, एक फोर्स हो गया। अब प्लस साइन लगाना है क्योंकि ऐड करना है दोनों को, प्लस साइन, लेकिन ये इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एन, दिस वन, दोनों ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा, देखो एम जी प्लस माइनस माइनस एन, और नेट फोर्स हमको क्या मिलेगा, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है इसका, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जीरो है, तो ये क्या रिजल्ट देगा, जीरो, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू जीरो। मतलब इसको एन को इधर ले आओ, तो ये प्लस माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, एम जी। ये चीज़ समझ में आया आपको? तो इन द बैलेंस कंडीशन आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि देखो अप में क्या है नॉर्मल रिएक्शन और डाउन के में क्या है एम जी। तो यहाँ से हमको पता चला कि ये अप है ना, यू फोर अप इज इक्वल टू ये एम जी की तरह डाउन है। मतलब यदि बैलेंस कंडीशन होता है तो ऐसे कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि अप इज इक्वल्स टू डाउन, अप इज इक्वल्स टू डाउन। आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अप को डायरेक्ट हम डाउन के इक्विवेलेंट कर देंगे, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इक्वेट कर देंगे। ऐसे कंडीशन में यदि बैलेंस कंडीशन होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे एन इज इक्वल्स टू एम जी। तो ये समझ गए कि किस तरीके से इक्वल हो रहा है, इसको आप यदि समझ गए तो आप डायरेक्ट लिखना अप इज इक्वल्स टू डाउन, ठीक है। नेक्स्ट वन हम समझाते हैं आपको, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट कैसे लिखोगे, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट। तो उसके लिए कंडीशन है कि मान लो एक सरफेस पे ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ये ऑब्जेक्ट रहा और इस पर हमारा एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड, तो इधर से ऐसे ही फोर्स लग रहा है, बट हम इसको इधर ना दिखा करके इस तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमको देखना है सिर्फ ना, तो इसमें हमको इधर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, मान लो ये फोर्स लग रहा है एफ वन, तो ये अपोज करेगा इसका, इधर फोर्स लग रहा है, यदि मूव ही नहीं कर रहा है, यदि बैलेंस कंडीशन में है, आई मीन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो इसका इसको अपोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो फोर्स है वो किसके बराबर मान लेते हैं, एफ टू के बराबर। तो यहाँ पे दो फोर्स है, एक एफ वन राइट साइड में है और एफ टू लेफ्ट साइड में है, और ये ऑब्जेक्ट जो है सो मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 100% एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यदि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन इधर कराने की कोशिश में रहेंगे, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे नेट फोर्स निकालेंगे, नेट फोर्स, अब देखो ये मेरा क्या है, लेफ्ट साइड, और ये क्या है, राइट साइड, ठीक है। यहाँ पे यदि तुम नेट कैलकुलेट करोगे नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या मिलने वाला है, देखो नेट फोर्स हमको मिलेगा, ये पॉजिटिव लेंगे एफ वन, प्लस ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा माइनस एफ टू दिस वन। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट का मास है, हमें इसलिए मास इंटू एक्सेलरेशन ले रहे हैं, ये हमारा हो गया एफ वन प्लस माइनस माइनस एफ टू दिस वन, ओके। अब एक्सेलरेशन हमारे यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो तो पूरा जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा एफ वन माइनस एफ टू, तो ये माइनस को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, या तो डायरेक्ट लिखो ना इसको, किसी को भी इधर करोगे तो डायरेक्ट आपका रिजल्ट क्या आएगा, एफ वन इज इक्वल्स टू एफ टू के बराबर आएगा। मतलब ये बैलेंस कंडीशन में ऐसा ही होता है कि यदि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट, या तो राइट इज इक्वल्स टू लेफ्ट, ये एफ टू को इधर लाए ना, चलो इसको एफ टू लिख देते हैं, इसको एफ वन लिख देते हैं, तो ये आपको ये एफ टू किधर दिख रहा है, देखो लेफ्ट है, और एफ वन किधर दिख रहा है, राइट, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट कर सकते हैं। तो आपको क्या समझ में आया कि एल इज इक्वल्स टू आर करना है, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट, और अप यू फॉर अप एंड डी फॉर डाउन, यू इज इक्वल्स टू डी करना है, कब, जब ये अप टू डाउन हो और ये लेफ्ट टू राइट हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा तभी ये चीज़ हम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। यदि मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कुछ होगा, यदि कुछ एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन का पुट करना, वैल्यू पुट करना पड़ेगा, मास दिया रहेगा तो मास पुट करेंगे तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यदि ये हम लोग इक्विलिब्रियम चैप टॉपिक का हमारा ही है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं आपको समझा यहाँ पे समझा दिए। अप इज इक्वल टू राइट, राइट इज इक्वल अप इज इक्वल टू डाउन, एंड लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ठीक है।
और यदि एक्सेलरेशन के केस में यदि आप समझना चाहते हो कि एक्सेलरेशन के केस में क्या होगा हमारा, तो देखो एक्सेलरेशन यदि होता है तो वैसे कंडीशन में मान लेते हैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम, फिर इक्विलिब्रियम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो फिर भी समझते हैं। देखो यदि मैं यहाँ बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, इस पर और इस पर फोर्स लग रहा है, इसको अपोज कर रहा है, इधर इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये मान लो F1 फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स जस्ट अपोजिट इसका, और ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इधर इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मास जो है इस ऑब्जेक्ट का m है। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो जनरल फॉर्मूला होगा इसका वो हो जाएगा नेट फोर्स इज इक्वल टू दिस, मतलब डायरेक्ट क्या करो, ये अपोजिट दिख रहा है ना, तो ये F1 पॉजिटिव होगा प्लस F2 इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स किसके बराबर, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट साइन यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस, यहाँ से देख सकते हो आप F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला को डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिए, ये चीज़ आया, ठीक है। यदि वही चीज़ यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होता कि मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 4 kg, 4 kg दिया हुआ है, ठीक है, और इधर से बोल देता कि ये फोर्स जो है, दिस वन फोर्स इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन है, ठीक है, और इस फोर्स का वैल्यू जो 8 न्यूटन है, इसका 10 न्यूटन है, इसका 8 न्यूटन है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना। तो वैसे कंडीशन में देख सकते हो कि F1 हमारा 10 है और ये F2 कितना है, 8 है, इज इक्वल टू मास कितना है, 4 है, और एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट करना है, तो कितना आ गया, 2 होगा, 2 इज इक्वल टू 4 इंटू ए, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई 4, मतलब ये 1/2, मतलब 0.5 m/s², ये आंसर आएगा, ए इज इक्वल टू 0.5 m/s², तो कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं एक्सेलरेशन को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये तो इक्विलिब्रियम के केस में नहीं आया, ये हम लोग अन इक्विलिब्रियम के केस में इसको हम लोग कैलकुलेट किए, जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, नेट फोर्स को किस तरीके से लिखते हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे नेट फोर्स को हम लोग लिखते हैं, मतलब जितना भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगे सबको सम करो, बस ध्यान क्या रखना है आपको, डायरेक्शन, यदि डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन क्या लेना है वहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है, और सबको ऐड कर देना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और नेट फोर्स जहाँ नेट होगा वहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, यदि एक्सेलरेशन हो रहा है तो नेट फोर्स मिलेगा, और यदि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स 0 मिलेगा हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट आप यदि यहाँ पे ट्रॉली की बात करते हैं, ट्रॉली जैसे सॉरी लिफ्ट, लिफ्ट की बात करते हैं, लिफ्ट अप डाउन जो होता है ना, तो लिफ्ट में देखो कैसे किस तरीके से वहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन वर्क करता है, उस चीज़ को समझना है थोड़ा सा यहाँ पे। तो देखो यदि मैं एक लिफ्ट की बात करूँ, यहाँ लिफ्ट को समझते हैं हम लोग, फॉर लिफ्ट, लिफ्ट के लिए मान लो एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट रहा, तो यदि सबसे पहले हम यदि बोलूँ कि इफ़ द लिफ्ट लिफ्ट इज़ एट रेस्ट या फिर मूविंग यूनिफॉर्मली, ये जो लिफ्ट है स्टार्टिंग में, लिफ्ट जो है सो एट रेस्ट, यहाँ पे लिख रहे हैं लिफ्ट जो है सो स्टार्टिंग में एट रेस्ट है, या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली इन मोशन, दोनों ही कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, दोनों कंडीशन में एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 मिलेगा, बिकॉज यूनिफॉर्मली है ना, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे 0 होगा, बिकॉज इसका वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम मिलेगा, तो एक्सेलरेशन भी वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट जो है रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में दो फैक्टर यहाँ पे काम करेगा, कि मान लो इसमें एक आदमी है जो इसके ऊपर चढ़ रहा है, नीचे जा रहा है, जो भी है, इसमें एक आदमी है यहाँ पे, तो इसका mg नीचे की तरफ होगा उस आदमी का, ट्रॉली पे ए, लिफ्ट पे ये आदमी है और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, या तो यूनिफॉर्मली रेस्ट पे है, ये ट्रॉली ही रेस्ट में है वैसे कंडीशन में, तो इसके अपोजिट क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n, तो हम जानते हैं कि अप टू क्या करना है, अप इज इक्वल्स टू डाउन, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, एन इज इक्वल्स टू mg, यदि एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे 0 होता है तो, और हो ही रहा है इसमें, ऐसे कंडीशन में हमको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन 0, यूनिफॉर्म मोशन में तब भी एक्सेलरेशन 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो एन इज इक्वल्स टू हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, mg, ठीक है, वेट इज इक्वल्स टू mg, यहाँ पे ये वेट है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि एन इज इक्वल्स टू वेट, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू,
ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो इफेक्टिव फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स ये मतलब एक्चुअल और इफेक्टिव दोनों दोनों हमको क्या मिल रहा है, दूसरे के इक्वल मिल रहा है। इफेक्टिव मतलब एक्शन और रिएक्शन, होता एक्शन और रिएक्शन दोनों यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, इक्वल मिल रहा है। अब थोड़ा सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस जो है वो है केस नंबर टू। इसमें है कि इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड, यदि ये अपवर्ड अप की तरफ यदि एक्सेलरेट होता तब क्या होता। तो देखो लिफ्ट को सबसे पहले यहाँ पे बना लो एक छोटा सा लिफ्ट, और इस पर एक आदमी है जो बना सकते हो चाहो तो इस तरीके से, एक आदमी है जिसका नीचे तरफ एम जी लग रहा है और ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, इसका जस्ट एक्शन एंड रिएक्शन, और ये जो है सो अप की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये ट्रॉली जो है सो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस ट्रॉली इस ऑब्जेक्ट का इस पर्सन का मास क्या है, एम है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको यहाँ पे कंसिडर कर लेना है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, नेट फोर्स। तो हम जानते हैं कि एफ नेट जो मिलेगा हमको किसके बराबर मिलेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ये नेट यही चीज़ तो हमको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों को दोनों फोर्स को ऐड कर देना है, तो एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो हमको यहाँ पे एन जो है सो पॉजिटिव ले लेते हैं, क्योंकि अप को हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, वहाँ पे भले हम ले लिए लेकिन अप को पॉजिटिव लिया जाता है। तो चलो कोई वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी हम अप को पॉजिटिव लेते हैं, डाउन को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि तुम वाई एक्सिस में भी जाओगे तो इधर पॉजिटिव होता है हमारा और इधर नेगेटिव होता है, इसलिए अप को पॉजिटिव हमेशा लेना और डाउन को नेगेटिव लेना। तो हमारा एन जो है सो पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव लिए, प्लस माइनस माइनस एम जी हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे आएगा एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास। ऐसा करो, अब हम लोग को ये करना है कि इसमें तुम चाहो तो मास को एक साइड कर सकते हो, तो मास को यदि एक साइड करोगे तो क्या आएगा, एन इज इक्वल्स टू इसको उधर भेज दो, तो उधर भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस एम जी, ये चीज़ मतलब एम कॉमन आएगा यहाँ पे तो आ जाएगा आपका ए प्लस जी, मतलब यहाँ पे जो आपका एन निकला वो किसके बराबर निकला, ए प्लस जी के बराबर, ये चीज़ ये न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को आप यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे एक ट्रॉली वाला केस यदि आपको दिया जाए और आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि वहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो या तो मास कैलकुलेट करो या तो नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो, तो ऐसे कंडीशन में आप इसको इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, व्हेन एक्सेलरेट अपवर्ड डायरेक्शन, यदि ट्रॉली अपवर्ड डायरेक्शन यदि मूव करे तब तब आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, एक फर्स्ट केस समझ गए, रेस्ट में था या तो यूनिफॉर्मली मोशन में था तो हमको एन इज इक्वल्स टू वेट के बराबर मिला, मतलब अप इज इक्वल्स टू डाउन के बराबर मिला। सेकेंड केस में आप देख लिए कि क्या फॉर्मूला है, एन इज इक्वल्स टू एम ब्रैकेट ऑफ ए प्लस जी, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, वो नेक्स्ट कंडीशन क्या है उसको समझो। नेक्स्ट कंडीशन है कि थर्ड केस, केस नंबर थर्ड, कि इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड, मतलब अब क्या है ना कि अभी एक्सेलरेट कर रहा था ऊपर, अभी भी एक्सेलरेट ऊपर की ही तरफ कर रहा है, बट कंडीशन क्या है ना कि अब ब्रेक अप्लाई हो गया, मतलब स्लो डाउन हो रहा है उसका, मतलब ट्रॉली है यहाँ पे समझो इसको, थर्ड वन केस यहाँ पे लिख ही लो। थर्ड वन केस इज इफ द लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड अपवर्ड्स देन, मतलब लिफ्ट जो है सो रिटार्ड हो रहा है, मतलब क्या है ना कि ये लिफ्ट जो है देखो डायरेक्शन वही है, अभी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये लिफ्ट है इसमें आदमी है, ठीक है, और इसका नीचे एम जी लग रहा है अभी भी और इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अभी भी लग रहा है, बट ये ऊपर की तरफ जा रहा है बट रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन मतलब इस पर ब्रेक अप्लाई हो रहा है, मतलब यदि 4 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा था तो अब धीरे धीरे इसका स्लो डाउन हो रहा है, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, तो वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन को डायरेक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ये लिखना पड़ेगा, बिकॉज रिटार्डेशन ब्रेक लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, माइनस ए, मतलब चाहो तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका फोर्स दिखा सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन में दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, बस वही फॉर्मूला, फॉर्मूला तो एज इट इज़ रहेगा, मतलब क्या लिखना है आपको, एन माइनस एम जी, ये चीज़ तो आप जान रहे हो, इज इक्वल्स टू बस कुछ नहीं करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन की जगह सिर्फ कर देना है माइनस ए, ऐसा। तो क्या आ जाएगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू माइनस एम ए, ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है।
और यदि ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, एन इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, ए माइनस है उसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस एम ए, और ये उधर जाएगा तो प्लस एम जी। ये चीज़ मतलब यहाँ से यदि तुम इसको एडजस्ट करो तो पहले पहले प्लस को लिखते हैं फिर माइनस को लिखते हैं ऐसे, तो आपको क्या आएगा एम कॉमन, तो ये हो जाएगा जी माइनस ए, मतलब रिटार्डेशन होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। और वही चीज़ रिटार्डेशन नहीं होता है तब क्या रिजल्ट आया था, एन इज इक्वल्स टू एम जी प्लस ए, पॉजिटिव तब आया था जब रिटार्डेशन नहीं हो रहा था, और नेगेटिव कब आया, जब रिटार्डेशन हो रहा है। ये चीज़ है, तो ये सब फॉर्मूला है जो आप डायरेक्ट यूज़ करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर हम लोग जो इसमें एप्लीकेशन है वो फोर्थ नंबर क्या बोलता है वो देखो। फोर्थ नंबर बोलता है कि इफ़ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउन, इफ द लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउन, डाउन डायरेक्शन, डाउनवर्ड 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 डायरेक्शन में यदि ये लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है तब क्या होगा। तो ये लिफ्ट फिर से बना सकते हो इस तरीके से, लिफ्ट बनाओ ठीक है, और जो भी है तो ये नीचे क्या है एम जी, और ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ये चीज़ नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट लिखना इजी। यहाँ भी फिर है नेट फोर्स क्या होगा, वही एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है मास इंटू एक्सेलरेशन, बट कंडीशन यहाँ पे ये है, वो चीज़ को ध्यान रखना, ये हम गलत लिख दिए, एन माइनस एम जी अब नहीं होगा। आपको एक्चुअली क्या देखना है ना, अप और डाउन में प्लस माइनस, चलो ठीक है एक बार फिर से समझा देता हूँ। एक चीज़ माइंड में रखना कि जिधर मोशन, जैसे यहाँ पे क्या था ना कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम हम बताया आपको कि जिधर ऊपर अप की तरफ एक्सेलरेट हो रहा था ना, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में यदि नॉर्मल रिएक्शन रहा तो उसको पॉजिटिव लेना होता है। तो तुमको मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखना है, जैसे ये देखो डाउन डाउन की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ना, यदि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है तो कौन इसके साथ मूव कर रहा है, एम जी मूव कर रहा है, मतलब ए पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा है ना, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है दैट वन डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव, तो एम जी प्लस में मिलेगा, और अपोजिट कौन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा नेट फोर्स एम जी पॉजिटिव माइनस एन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो इसके पहले हम बताया उसमें थोड़ा सा माइंड में इस तरीके से सेट करो कि ये वाला था ना स्टार्टिंग में कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था तो एन उसके साथ है, तो एन साथ है मतलब ए पॉजिटिव, ये उसके अपोजिट तो माइनस, ठीक है, तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो होगा वो पॉजिटिव होगा और जो एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा वो नेगेटिव होगा, ये कंडीशन है। बट यदि वो रेस्ट में है तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको पॉजिटिव ले रहे हो और किसको नेगेटिव ले रहे हो, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में यदि रहेगा तो आप पर डिपेंड करता है कि किसको आप पॉजिटिव और किसको नेगेटिव मानते हो, बट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन आपको देखना है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट वन डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव एंड उसके अपोजिट वाला नेगेटिव। तो ये मिला एम जी माइनस एन, दिस इज द नेट नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, मतलब यहाँ से आपको जो नेट फोर्स मिलने वाला है, एन जो मिलने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा वो देखो, इस एन को उधर भेज दो तो उस साइड हम यदि भेज दें तो हो जाता है एम जी माइनस ए, इधर आएगा एम ए इज इक्वल टू वाट एन, मतलब एन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पे एम जी माइनस ए, ये चीज़ मिला नॉर्मल रिएक्शन, वही फॉर्मूला जो इसके पहले ये चीज़ ए मिला था वही फॉर्मूला यहाँ पे एक्ट होगा, ठीक है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और यदि इसी में इसमें भी रिटार्डेशन देखना चाहते हो तो रिटार्डेशन दे सकते हो, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन का रिटार्डेशन, तो पहला वाला काम करेगा देखो, इफ द लिफ्ट रिटार्ड रिटार्ड्स इन डाउनवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिख लेना अच्छे से इन डाउनवर्ड, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये जो है सो पर्सन है, इस पर एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, अपवर्ड में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और ये डाउनवर्ड की तरफ रिटार्ड हो रहा है, रिटार्ड मतलब माइनस ये लगा देना, यहाँ पे रिटार्डेशन का मतलब ही होता है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, रिटार्ड मतलब ऊपर से आ रहा था ज़्यादा स्पीड से, उस पर हम ब्रेक अप्लाई कर दिए तो कम हो गया उसका स्पीड, स्पीड कम होने से रिटार्डेशन स्टार्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बस ईजी है, लिखना लिखो इसे, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी माइनस एन इज इक्वल्स टू मास, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह माइनस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम ए, तुम चाहो तो एम ए को इधर ले आओ, तो एम जी इसको इधर ले आते हैं तो प्लस एम ए, और एन को उधर भेज देते हैं तो पॉजिटिव में एन, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया एम जी प्लस ए दिस वन। तो ये सब जनरल फार्मूला हमारा लिफ्ट के लिए, लिफ्ट के लिए इतना सारा फार्मूला हम लोग अभी रीड कर लिए इसमें,
ठीक है। तो ये हो गया लिफ्ट का फंडा। तो आप इक्विलिब्रियम केस भी समझ गए, लिफ्ट का केस भी समझ गए, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम और अनइक्विलिब्रियम दोनों मैं आपको इसमें समझा दिया। टॉपिक भले ही इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल है, बट अनइक्विलिब्रियम भी आपको समझा दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है अनइक्विलिब्रियम के लिए भी। तो ये सारा फॉर्मूला जो है सो बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से अब एक केस और समझ लो इसमें। एक केस वो है कि मान लो ऑब्जेक्ट जो है सो हमारा अभी इक्विलिब्रियम केस के लिए है, अब समझाते हैं हम। इक्विलिब्रियम केस में हम लोग समझ गए कि ये यदि एम जी है और इसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन है, और यदि ये बैलेंस कंडीशन में है, यदि एक्सेलरेशन इसका जीरो है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या लिखते थे, डायरेक्ट एन इज इक्वल्स टू एम जी, ये चीज़ लिखते थे। बट अब कंडीशन यदि ऐसा हो कि ये सरफेस इस तरह का ना रह करके, यदि सरफेस ऐसा हो, तो यदि सरफेस कुछ इस तरीके का हो तो क्या करोगे, वेन सरफेस विल बी लाइक दिस, ऐसे सरफेस हो, मतलब इस जो सरफेस है स्टार्टिंग वाला सरफेस उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो अब सरफेस इसको कंसिडर करना, ये सरफेस मतलब क्या है ना कि ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ ना रह करके इसको उठा दिए कुछ तरीके से स्टैंड करके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिए ऐसे, और यहाँ पे एंगल कितना है थीटा, ठीक है। तो थीटा एंगल पे वो चला गया ऊपर, ठीक है। अब आपको नीचे नहीं देखना है, अब सिर्फ ऊपर देखना है आपको, इस ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में जब था तो इसका एम जी किधर लग रहा था, डाउनवर्ड, अभी भी इसका डाउनवर्ड ही लगेगा, ऐसे दिखाना पड़ेगा एम जी, एम जी आपको लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऐसे एम जी डाउनवर्ड ही लग रहा है अभी, ठीक है। और यहाँ पे यदि ये डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले कंपोनेंट इसका निकाल लो ना यहीं पे, कंपोनेंट कैसे निकलेगा वो समझो। मतलब देखो यदि इसको थोड़ा सा तरीके से समझना, ये मेरा बॉडी पहले से तो यहाँ था इस जगह पे, इस पर एम जी कुछ इस तरीके से लग रहा था, लग रहा था, इसको इस तरीके से उठाए ऊपर की तरफ, तो ऊपर उठाए तब भी एम जी इधर ही है, एम जी इधर ही, लेकिन क्या है ना कंडीशन कि ये इसका कंपोनेंट बन जा रहा है यहाँ पे। कंपोनेंट तुम चाहो तो इसमें नॉर्मल का भी कंपोनेंट बना सकते हो, या फिर एम जी का भी कंपोनेंट बना सकते हो, आप पर डिपेंड करता है कि किसका कंपोनेंट बनाना चाहते हो। लेकिन एक चीज़ सबसे पहले समझो ये कि हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं ना, ये सरफेस और ये नॉर्मल रिएक्शन और इधर एम जी, तो ये प्रोसेस चलेगा यहाँ भी। कंडीशन ये है कि यदि ऑब्जेक्ट तुम्हारा कुछ इस तरीके से ऊपर चला गया थीटा एंगल पे इस तरीके से, तो नॉर्मल जो है ना वो कभी नहीं छोड़ता, ऑब्जेक्ट के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरीके से ही होने वाला है, ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही मिलने वाला है आपको, ठीक है। और ये देख रहे हो कि थीटा एंगल पे बेंड हो गया ऊपर की तरफ, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। और एम जी जो है वो कुछ इधर हो रहा है ना, एम जी इधर हो रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल, ये थीटा है वही एंगल यहाँ पे होगा, वही एंगल, क्योंकि देखो इसको तुम धीरे धीरे डाउन करो तो ये इधर चिपकेगा ना, मतलब जितना एंगल, ये एंगल जितना रिड्यूस होगा उतना ही ए एंगल, ए वाला एंगल रिड्यूस होगा, सेम। इसको भी समझा देंगे आपको दूसरे मेथड से, बट अभी इतना मान लो कि दिस वन थीटा देन दिस वन विल ऑल्सो थीटा। यदि ऐसा है तो यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। देखो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया, इस पर नॉर्मल रिएक्शन कुछ इधर लग रहा है, दिस वन इज द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। एम जी हमारा इधर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, और इसके जस्ट अपोजिट इधर एक कंपोनेंट बनेगा, तो ये हमारा एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल। तो ये यदि एम जी है तो इसमें दो कंपोनेंट मिलेगा हमको, दो कंपोनेंट, एक इधर मिलेगा दिस वन, ये मिलेगा एम जी कॉस थीटा, बिकॉज थीटा इस पर है, इसी पे थीटा है, जिस पर थीटा होता है वो कॉस थीटा होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, ये चीज़। तो कंपोनेंट कुछ इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। ये तो ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इस उसका हम लोग कंपोनेंट नहीं निकालेंगे, कंपोनेंट सिर्फ इसका निकाल रहे हैं, ठीक है। चाहो तो नॉर्मल का भी कंपोनेंट निकल सकता है, तो नॉर्मल का कंपोनेंट यदि निकालना है तो वही है कि आपको इधर लेना पड़ेगा, तो ये थीटा एंगल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, एज इट इज आने वाला है रिजल्ट, तो वही एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये हमारा बताने का क्या मतलब था उसको समझो। अब यहाँ पे यदि ऐसा कंपोनेंट ऐसा बन रहा है कुछ, तो हमारा सरफेस कुछ इस तरीके से हो गया ना, जैसे अप टू डाउन एंड लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, और राइट इज अप इज इक्वल टू डाउन कर रहे हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे देखो ये वाला, ये टर्म
ए अप है ए डाउन है, मतलब ये अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू एम जी ना होकर के एम जी कॉस थीटा होगा, एम जी कॉस थीटा एट बैलेंस कंडीशन। यदि ये बैलेंस कंडीशन में है तो ए यदि मूव नहीं कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में एन इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। और इस साइड कुछ है इसका क्या, एम जी साइन थीटा का उस साइड कुछ नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कंपोनेंट का कोई यहाँ पे मतलब नहीं रह जाता है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा सिर्फ यहाँ पे मिलेगा। बट इसका भी कंपोनेंट का मतलब रहता है, यदि इस पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता, उसको भी समझ लो, उसको भी समझ लो। मान लो तुम्हारे पास, मैं एग्जांपल देके और भी कुछ कुछ समझा देता हूँ। जैसे मान लो ऐसा रहता कि एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, और इस पर फोर्स कुछ इधर लग रहा है इस डायरेक्शन में, तब क्या करोगे, इधर फोर्स लग रहा है एफ फोर्स, ठीक है, तभी तभी ये मूव नहीं कर रहा, बैलेंस कंडीशन में ही है। तो ऐसे कंडीशन में ये फोर्स लग रहा है इधर, तो 100% ये सरफेस है, दिस वन सरफेस, तो ये सरफेस इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं इसके पैरेलल, तो दिस वन विल बी थीटा, मतलब थीटा एंगल पे हमारा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। यदि ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है तो हम जानते हैं कि इस पर क्या लगेगा, नीचे एम जी लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। और ये जो है सो इस साइड में हमको क्या मिलने वाला है, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या मिलेगा, एफ साइन थीटा, ये चीज़। तो यहाँ पे तुमको बस कंसीडर ये करना है, देखना ये चीज़ है कि अब जो हम एम जी लिखेंगे यहाँ पे, वो एम जी सिर्फ एन इज इक्वल्स टू एम जी नहीं लिखाएगा, बिकॉज इस डायरेक्शन में दो फोर्स आ गया, एक नॉर्मल रिएक्शन तो है ही, साथ ही एफ साइन थीटा भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को जो सेम डायरेक्शन मिलता है उसको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में देखो है क्या कोई, सिर्फ एम जी है और तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे लिखें डायरेक्ट इज इक्वल्स टू एम जी, तो ये चीज़ फॉर्मूला आपका आ जाएगा, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से यदि आपको थीटा कैलकुलेट करने बोलो तो थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, यदि फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है तो, यदि नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करने तो नॉर्मल रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है कि जो सेम डायरेक्शन में दो दो कंपोनेंट है दोनों को ऐड कर दिए, तीन कंपोनेंट है तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि कोई कंपोनेंट आता तो उसको भी हम लोग ऐड करते, तो इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। तो कुछ ये फंडा है, ठीक है। यदि ऐसा देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला ही कंपोनेंट भी समझा ही देते हैं पहले। ये देखो इस तरीके से है ये ऑब्जेक्ट, इस पर ये नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर, इधर नॉर्मल होगा हमेशा, इसके जस्ट अपोजिट तुम इस तरीके से ले लो डॉटेड लाइन से, और एम जी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एम जी इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो इस एम जी का कंपोनेंट बनेगा एम जी कॉस थीटा, और इस साइड एम जी साइन थीटा इधर लगेगा, और इधर हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। अब कंडीशन ये है कि इस ऑब्जेक्ट पर बोलता है कि एक फोर्स लग रहा है इसी पॉइंट पे, इधर लग रहा है ऐसे, तो ये एंगल कितना बनाता है यहाँ पे, इसका एंगल बनता है इस सरफेस से थीटा एंगल बनता, तो इधर हमारा कंपोनेंट क्या बनता, इस साइड बनता, यदि ये फोर्स एफ तो इधर मिलता हमको एफ कॉस थीटा, और इसके इस डायरेक्शन में क्या मिलता, इस डायरेक्शन में मिलता एफ साइन थीटा। देखो इतना सारा चीज़ मिला ना। अब तुम देखो अप इज इक्वल्स टू डाउन करते हैं और लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट करते हैं ना, तो अब यहाँ दोनों मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले बैलेंस कंडीशन में है, ये कैसा कंडीशन में है, बैलेंस्ड है, बैलेंस मतलब इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तब के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं अप इज इक्वल्स टू डाउन, अप इज इक्वल्स टू डाउन, देखो तो अप में कौन कौन सा दिख रहा है, एन दिख रहा है और एफ साइन थीटा दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दो, एन प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है, इसको ऐड कर दिए। इक्वल्स टू डाउन में देखो, डाउन में कौन कौन सा है, डाउन में एम जी कॉस थीटा और एम जी है, दोनों को लिख दो, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस एम जी कॉस थीटा, ये चीज़, ये आपका एक जनरल इक्वेशन मिल गया इस तरीके से। ठीक है, एंगल का वैल्यू यदि कैलकुलेट करना है, यदि सबका वैल्यू दिया है तो एंगल का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फंडा हो गया, सॉरी ए एम जी को नहीं लिखना है यहाँ पे, इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा मान ली, बिकॉज इसी का तो कंपोनेंट है वो, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ आपको क्या मिल रहा है, एम जी कॉस थीटा, तो ये चीज़ हो गया, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक, तो ये चीज़ है, मतलब यहाँ से और यदि इसको आगे तुम बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो इसमें, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, बस इसको चाहो तो एक साइड करके जीरो कर सकते हो, एन इज इक्वल टू उसको उधर कर दोगे तो एफ कॉस
कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, एक जनरल इक्वेशन है, चलो ठीक है, यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन हमको मिल गया। अब यदि मैं बात करूँ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट की बात करूँ, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट में देखो क्या मिलेगा, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट में क्या है मेरा एम जी साइन थीटा, तो यहाँ पे एम जी साइन थीटा ले लिए, राइट में क्या है एफ कॉस थीटा, तो ये मिला एफ कॉस थीटा। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा, यदि इसको इधर साइन थीटा इधर कॉस थीटा ना, तो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, चाहो तो कॉस थीटा को इधर ला सकते हो, तो एफ यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ, क्योंकि कॉस को इधर ले आए, तो हमको मिल जाएगा एम जी टेन थीटा इज इक्वल टू एफ, इतना मिल जाएगा। या तो यदि तुम टेन थीटा यहाँ से कैलकुलेट करना चाहो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा एफ डिवाइड बाई एम जी, ये चीज़ थीटा निकालना चाहते हो तो टेन इनवर्स एफ डिवाइड बाई एम जी, कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सारा फंडा है कैलकुलेट करने का, ठीक है, जो जनरल जनरली इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और एनसीईआरटी में एक आपका न्यूमेरिकल है इसी तरीके से दिया हुआ जो एग्जाम्पल में है, तो उसको समझते हैं थोड़ा सा कि ये न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, एग्जाम्पल है तुम्हारा 5.6, इसको समझो, ये बोलता है कि एक सीलिंग है कुछ इस तरीके से, उसमें एक बॉब को लटकाया हुआ है, बॉब को एक लटका दिया गया है कुछ इस तरीके से, बॉब को लटका दिया गया है जिसका मास दिया हुआ है 6 kg, इसका 6 kg मास दिया हुआ है, ठीक है, और ये बोलता है कि इसको जो है सो इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है, 2 मीटर इसका लेंथ दिया हुआ है थ्रेड का, और थ्रेड का मास लेस बोला है कि इसका लेस मास जो है सो इतना कम है कि इसको लेस कर दो, ठीक है, और बोलता है कि इसको बीचों बीच से इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, बीचों बीच फोर्स लगा रहे हैं इसके बीचों बीच, और वो फोर्स जो है वो 50 न्यूटन के बराबर है, या तो फोर्स एफ लग रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें एफ फोर्स लग रहा है इस पर, या तो फोर्स 50 न्यूटन है, चलो इस डायरेक्शन में 50 न्यूटन है, तो इसका जो है बाउंड कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम हो जाएगा, यदि उस पर फोर्स लगाएंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये थ्रेड ऐसे हो जाएगा क्योंकि फोर्स लग रहा है ना ये वाला, तो ऐसे डायरेक्शन में बन जाएगा ऐसे, और ये जो है सो ऐसे, क्योंकि बीचों बीच लगा रहे हैं ना, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये कितना है, ये 6 kg का है, इस पर नीचे क्या लगेगा एम जी, और यदि मैं यहाँ पे जी का वैल्यू 10 ले लूँ तो रिजल्ट आ जाएगा आपको 10 m/s² ले लेंगे इसका जी का, तो देखो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है इस जगह पे, पहले यहाँ था तो कुछ एंगल थीटा बनाया, तो इसके अपोजिट भी मैं बात करूँ तो जितना थीटा ये है तो उतना ही थीटा ये भी हो जाएगा एज इट इज़, ठीक है, तो ऐसे में समझना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, कितना लग रहा है इस जगह पे 50 न्यूटन, 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो एक चीज़ और माइंड में रखना है कि यदि थ्रेड इस तरह से खिंचा जाता है ना, तो हमेशा टेंशन, इसमें टेंशन भी एक फोर्स है, टेंशन फोर्स टी, टी फॉर टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स हमेशा जिधर बंधा होता है उधर लगता है और ऑब्जेक्ट की तरफ लगता है, तो इक्वल एंड अपोजिट टेंशन यहाँ पे लगेगा दोनों, जितना टेंशन उधर लगेगा उतना ही टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, तो यहाँ टी टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स यहाँ पे एक तरीके से, ठीक है, टेंशन फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे यहाँ पे क्या होगा टेंशन फोर्स, तो यहाँ पे देखो दो टेंशन लग रहा है इस पॉइंट पे, अब दो टेंशन लगेगा, फर्स्ट वन टेंशन विल बी ये देखो इस पॉइंट पे, यदि टेंशन की बात करें तो इसका यहाँ पे जो लगेगा उधर लगेगा, मतलब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं T1, और इस पर इस जगह पे जो टेंशन लगेगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ हमेशा टेंशन लगता है, तो ये हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा T2, T2, तो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट दोनों लगेगा क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है तो इधर भी लगेगा, मतलब यहाँ पे T2 एक दूसरे का अपोजिट होगा, एक्शन एंड रिएक्शन दोनों इक्वल होगा इस जगह पे, तो इस तरीके से T2 हमको लग रहा है यहाँ पे, मतलब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाऊँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा कि मान लो इस पॉइंट, ए पॉइंट है हमारा, ए पॉइंट मतलब ये ऑब्जेक्ट है ये वाला, और इसी का बना रहे हैं, तो इधर नीचे क्या लग रहा है एम जी लग रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है T2 लग रहा है, ठीक है, इसको समझो अच्छे से, इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, पहले इसका बना रहे हैं नीचे वाला का, तो नीचे वाला बना रहे हैं तो ये हमारा क्या है 6 kg, ठीक है, इसका एम जी नीचे T2 ऊपर, ये चीज़ लग रहा है, और नेक्स्ट वन फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नेक्स्ट ए वाला बनेगा, तो ए वाला जो है सो ऐसे ऐसे है, और इस पर एंगल कितना बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, तो इस पर T2 नीचे की तरफ लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पे T2 नीचे की तरफ लग रहा है ये वाला, T2 नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और इस साइड में हमारा क्या लग रहा है 50 न्यूटन फोर्स, ओके, तो ये चीज़ है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो, तो ये तो बैलेंस कंडीशन में भी है, तो बैलेंस कंडीशन में है तो T2 इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा हमारा, T2 इज इक्वल्स टू एम जी, मतलब जी को यदि यहाँ 10 लूँ तो हमको जी कितना मिल जाएगा, एम जो है सो 6 kg है, 6 × g का वैल्यू 10, मतलब कितना मिल जाएगा 60 न्यूटन,
मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मिल रहा है टेंशन, जो T2 कितना मिल गया 60 न्यूटन, मतलब T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। हमको T2 मिल चुका है, यहाँ से T2 मिल चुका है। अब हमको यहाँ से T2 तो मिल गया, तो इस जगह पे T2 का वैल्यू रख दो 60 न्यूटन। ठीक है, अब हमको इस क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रहा है एंगल। यदि तुमको एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो एंगल को कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। देखो एंगल कितना होगा, तो एंगल यदि कैलकुलेट करना है आपको तो सबसे पहले यहाँ पे कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि इस पर यदि थीटा बन रहा है, एंगल ए थीटा बना रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट जो होगा ए होगा, यही वाला कंपोनेंट होगा। तो दिस वन कंपोनेंट विल बी कौन सा, इधर जो है सो टेंशन लग रहा है ना, तो यहाँ पे T1 लग रहा है, T1 टेंशन, तो इसी का कंपोनेंट लगेगा। तो ये हो जाएगा T1 cos θ, और इस साइड लगेगा T1 sin θ। मतलब अप इज इक्वल टू डाउन करो, तो ये हो जाएगा T1 cos θ इज इक्वल टू 60 न्यूटन, और T1 sin θ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 न्यूटन। ये हो गया अप इज इक्वल्स टू डाउन, ये हो गया लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, ये चीज़। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोनों चीज़, हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं दूसरे से, एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो देखो हम इसको ऊपर रखते हैं, इसको नीचे रखते हैं, मतलब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, मतलब 2/1 करते हैं। 2/1 करेंगे तो क्या मिलेगा ना, sin θ/cos θ, हमको मिल जाएगा tan θ, tan θ, और ये T1 T1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा 50/60, 0 0 कैंसिल, मतलब ये मिल गया हमको 5/6 के बराबर। थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan 1/5/6, मतलब ये हो गया। तो 5/6 मतलब ये जो है ना, इसको यदि कैलकुलेट करो तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसी का वैल्यू आता है 40 डिग्री के आसपास आता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, ये 40 डिग्री के आसपास आता है। तो थीटा का वैल्यू आपको मिल गया 40 डिग्री। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि अब और आगे बढ़ाऊँ। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द इक्विलिब्रियम, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।